है वो है EMMC। तो EMMC क्या है, हमारे मोबाइल की इंटरनल मेमोरी होती है, चिप होता है EMMC, और इसके अंदर में अलग अलग इसकी GB होती है, जैसे 8 GB, 16 GB, 32 GB, 128 GB तक आता है। तो EMMC में के अंदर में क्या होता है, रैम और रोम होता है। तो कैसा है कि हमारा मोबाइल अगर डेथ कंडीशन में आया, या फिर वीवो वगैरह ओप्पो वगैरह पे सिंबल पे आके अटक रहा है, हैंग हो रहा है, डेथ कंडीशन में है, तो अलग अलग कंपनी के लोगों पे आके अटक रहा है, जैसे वीवो ओप्पो, तो हमको EMMC को देखना पड़ता है। मोबाइल के अंदर सब कुछ ओके है, उसके बाद भी मोबाइल हमारा ऑन नहीं हो रहा है, तो सब कुछ ओके रहने के बाद भी तो हमारा EMMC को हमको रीप्रोग्राम करना पड़ता है। और इसके अंदर में क्या होता है कि EMMC का फ़ायदा ये है कि हमारा फ़ोन अगर डैमेज हो गया, जल गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें इंटरनल स्टोरेज जो हमारा EMMC होता है, उससे हम डाटा को रिकवर कर सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर का डाटा हमारा करप्ट हो गया तो उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं। और ये और इसके अंदर में दो मेथड होते हैं, एक ISP पिन आउट और एक आता है हमारा डायरेक्ट EMMC, यानी कि बॉक्स, हमारा जो बॉक्स होता है उससे भी कर सकते हैं, दो टाइप के। लेकिन इसके अंदर में सिर्फ अनलॉकिंग कर सकते हैं ISP पिन आउट के अंदर में, और डायरेक्ट के अंदर में पासवर्ड, पिन, पैटर्न सब कुछ मतलब कर सकते हैं इसके अंदर में। और इसके बहुत सारे बॉक्स आते हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन UEFI बॉक्स सबसे बेस्ट होता है। इसमें हमारा पैटर्न सब कुछ निकल जाता है, पैटर्न हो गया, अनलॉकिंग हो गया, पिन हो गया, सारा कुछ इसके अंदर में हो जाता है। और EMMC हैरो जरा, तो क्या है कि गूगल लॉक पिन पासवर्ड अनलॉक FRP पैटर्न नॉर्मली ये सब होता है। और रीप्रोग्राम करने के लिए हमारे UEFI बॉक्स से हमको प्रोग्राम करना पड़ता है। बहुत सारे बॉक्स आते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट UEFI बॉक्स होता है। चिप को निकालना और स्टेंसिल वगैरह कैसा करना, तो बाकी टूल्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सारा हम अपने वीडियो में अपलोड करेंगे आगे वाले, मतलब अपडेट जब करेंगे वीडियो तो आगे और बताएंगे। खाली ये इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है, बेसिक नॉलेज जिसके पास है, जैसे कि IC हो गया और तुम्हारा IC निकालते कैसे, बेसिक कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन वगैरह कैसा करना, तो इस तरीके से बेसिक नॉलेज होना चाहिए ये करने के लिए। और ये EMMC का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डाटा को रिकवर कर सकते हैं और डेड मोबाइल से डाटा को ले सकते हैं डेड मोबाइल से। तो इसके अंदर मैं आपको बता दिया, दो मेथड होते हैं, एक ISP पिन आउट और एक EMMC डायरेक्ट कनेक्शन, जो कि बॉक्स से होता है। और जो बॉक्स से होता है इसमें सारी चीज़ें हो जाती है, और ISP पिन आउट में केवल अनलॉकिंग होती है। तो बाकी ये सब नॉलेज होना चाहिए आपको बेसिक EMMC के लिए। और EMMC कोई अलग पार्ट नहीं है, लोगों ने हुआ बना के रखे हैं। तो सबसे बेस्ट UEFI होता है, EasyJTAG भी होता है, लेकिन EasyJTAG महंगा पड़ता है, ये वाला बहुत अच्छा होता है UEFI वाला। तो इसकी सारी वीडियोस आएंगी, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा क्या चल रहा है अभी भाई? हमारा जम्पर चल रहा है अभी फिलहाल। अच्छा, इसके हमें आता नहीं था, तो अब सीख गए अच्छी तरह से। अच्छा, तो प्रॉपर आता है। तो बोर्ड वगैरह हमने दिए या तुमने लेकर आए थे? अरे आप लोगों ने दिए थे। अच्छा, और अभी कहिया भैया पहले पकड़ते नहीं थे आप, और अभी कॉन्फिडेंस बढ़ा गया? कभी भी नहीं यार, पहली बार पकड़ा मगर अच्छी तरह से आवाज गया, एक्सपीरियंस हो गया। ओके ओके। तो हमारे साथ ये हमारे रायपुर के छत्तीसगढ़ के, तो बताओ भाई अभी तुम्हारा क्या सीन है, अभी क्या चल रहा है? अभी IC रिवॉल्व कर रहा था सर। अच्छा, IC, अरे सर नहीं भाई बोलो, अपन भाई है। तो अभी मतलब अभी कॉन्फिडेंस बढ़ा क्या तुम्हारा? जी सर। और ये पेस्ट को यूज़ मत करो, ये पेस्ट बहुत बेकार होता है, ठीक है? थोड़ा अच्छा पेस्ट लेकर आओ, जितने अच्छे टूल्स रहेंगे उतना मज़ा आएगा तुम्हारे को काम करने में। जी सर। अभी IC लिफ्टिंग करना वरना सब हो गया ना? जी सर।